एक जो सीधी बात कर नहीं पाते। कॉपुलेशन का क्या मतलब होता है सर? जैसे एक बर्ड के ऊपर दूसरा बर्ड बैठता है ना, तो उसको मतलब सर मैं अभी ये चंदन के ऊपर बैठ जाऊं तो कॉपुलेशन हो जाएगा सर? बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। फेमस सिंगर कवि कपूर के गाने पर लगा बैन, एलिजा डिसूजा नामक एक्ट्रेस का हुआ MMS लीक। वो तो है क्या? क्या बता? नाम बताना, ये कौन है, ये पर्सन कौन है, पता क्या है, करता क्या है? ये अपना ऐसा है कि रख रख के देता है। बात तो सही है। ग्रेट खाली है? ग्रेट खाली है? नहीं, ग्रेट खाली नहीं है, रख रख के देता है। आपको भी दो तीन रखे हैं इसने। क्रिकेटर है? हाँ। कोहली? आई वॉन्ट टू सी यू ऑल इन नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप। हु इज योर इंस्पिरेशन? My inspiration is Dr. Cristiano Ronaldo. Dr. Cristiano Ronaldo? Yes. Thak! Ronaldo is not doing PhD. Don't call him doctor. Who is your idol? My idol is Lionel Messi. He is very good playboy. Away. 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 If you love someone, तो आपके रिलेशनशिप में ये तीन मिस्टेक्स मत कीजिए। फिर क्यों आए तन्हाई, कैसी है ये रुसवाई, गुम हो गए तुम। ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो। मैं सर्दी से डरता नहीं हूँ। What's like your advice to a guy who's whatever, he could be coming out of university or in his 30s, but he's like looking for a little direction. How do you start off, get centered to become successful, you know, get money, get bitches? Like what would you tell them? आज कमाएंगा तो कल बैठकर खाएंगा। अरे अपनी मेहनत पर भरोसा रख, प्यार तो दोबारा भी हो जाएगा। आ मेरी जान। और वसंत किधर रखोगे, किधर मधु को? हाँ, दिल में। अच्छा, और सोएगी किधर? संडास किधर करेगी? दिल में। शादी होती है और पता चलता है कि आपका हस्बैंड नशा करता है तो आप क्या करेंगे? एडिक्ट हो तो क्या साथ बैठ के नशा करेंगे? ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। दीपक ये देखो कितना अच्छा फैशन सेंस है इस लड़की का। हाँ ठीक है, लेकिन ये है कौन? जैसी का भाटी है ये, फैशन इन्फ्लुएंसर। मैं तुम्हें एक और लड़की दिखा, ये देखो ये कैसी है? ये भी ठीक है। मैं ना तुम्हें एक ड्रेस दिखाती हूँ, जैसी का भाटिया की है, मुझे वो खरीदनी है। क्या यूजर नेम था? जैसिका अंडरस्कोर 12 भाटिया। पकड़ लिया साला। अरे आपका नाम तो मुझे पता है आपका। आप तो मिला लो हाथ। है हाथ तो छोड़ो। इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है मेरे को, आपको गर्मी नहीं लग रही है? अच्छा, पहले बैठे सुपर बाइक में आए? ओके मैडम, लव राइडिंग बाइक क्या? एक्सक्यूज मी सर। कहिए। क्या होगा अगर हम नजरअंदाज करते रहे किसी कारण से और कोई अनलॉक कर दे अपनी दिमागी क्षमता का 100%? 100%? जी हाँ सर। जय हिंद। क्या आप भी अपने 20s में अमीर होना चाहते हैं परंतु ये नहीं पता कैसे? अरे हाँ भाई हाँ। तो मेरी बताई स्ट्रेटेजी से आप आराम से अपने 20s में ही अमीर हो सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। okay. अपने किसी अच्छे दोस्त को लीजिए और उसको नेपाल ले जाकर बेच दीजिए। मगर क्यों?
वहां से जो पैसे आएंगे उससे आप गुड़गांव में एक स्टार्टअप खोल लेंगे। अच्छा। आप स्टार्टअप खोलेंगे, आपका सारा पैसा जाएगा डूब, आप पे चढ़ जाएगा कर्जा। ओरे बाबा। कर्जा के लिए आप अपने माँ बाप की एफडी जो है उसको तोड़वा लेंगे और जो मैं नंबर दे रहा हूँ उसमें मुझे पेटीएम कर देंगे। ठीक है। अब कर्जे के लिए आप अपने मम्मी के जो है गहने उसको बेच देंगे, वहां से जो पैसा आएगा उससे नेपाल जाकर अपने दोस्त को छुड़ा लेंगे। ठीक है। उसके बाद नेपाल से इसको निकाल कर भेज देंगे शेखों के पास दुबई, वहां पर शेखों के शौक पूरे करेगा, आपको मिलेगा मोटा पैसा। अब उस पैसे को लेकर आपको चले जाना है गोवा, गोवा जाकर आपको वहां पे मौज करनी जब तक आपके पैसे खत्म ना हो जाए। कंगाल होने के बाद वापस शेखों के पास जाइए, शेखों को पीट कर अपने दोस्त को छुड़ा लीजिए। ठीक है समरिया। छुड़ाने के बाद अब आपके पीछे शेख पड़े हैं, आप भारत में हैं, आप अनएम्प्लॉयड हैं और आप है चूतिया। अब क्या करना है, अब अपने दोस्त को बोलिए कि एक टोकरी और एक सफेद चादर का इंतजाम करें, उसमें आपको लपेट के अनाथ आश्रम के बाहर रख दे, अनाथ आश्रम वाले आपको लावारिस जानकर आपको उठा लेंगे और रख लेंगे। उसके बाद कोई अमीर पार्टी आएगी और आपको गोद ले लेगी और आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। अब क्या हुआ, आप उनके वारिस बन गए, अब आप अपने दोस्त को गोद ले लीजिए, आपका दोस्त है, अब आपका दोस्त आपका बेटा बन गया और आप दोनों बन गए करोड़पति। मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था मैं इसी हॉस्पिटल में आया था, इसकी फैसिलिटी तो यार बहुत अच्छी है और अपन अभी थोड़ी देर में हॉस्पिटल में जाएंगे अंदर। भैया एक चाय दे देना। अच्छा एक बात पूछूं, ये जो हॉस्पिटल के सामने आप सिगरेट वगैरह बेचते हो, पुलिस डॉक्टर वगैरह मना नहीं करते आपको? ये रहा तुम सबका तोहफा, हमारी दोस्ती याद रखना। फिर कब मिलोगी? डेढ़ दो साल बाद मैं रितु को यहाँ भेजने वाला हूँ कारोबार संभालने, फिर अगर तुम चाहो तो इन चारों में। नहीं तू हट। तो किसी को ये नहीं मालूम है कि सलमान और मेरा झगड़ा क्यों हुआ। हमारा झगड़ा बहुत एक छोटी सी बात पे हुआ कि हम दोनों में से ज्यादा खुश कौन है। ठीक है समरिया। और इसी बात पर हमारा झगड़ा हो गया। हम आज असली रीजन जो है सबके सामने बताना चाहते हैं। तो जैसा मैंने इसको बोला उस दिन रात को, मैंने इसको कहा कि मैं घर जाता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है, बीवी होती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो सलमान ने कहा कि मैं जब घर जाता हूं तो मेरी बीवी नहीं है इसलिए मुझे उससे और ज्यादा खुशी होती है। मैंने कहा कि मैं घर जाता हूं तो मेरी लाडली मेरी गोद में बैठती है मुझे खुशी होती है। कहता मैं घर जाता हूँ मेरी गोद में बहुत सारी लाडलियां बैठती हैं मुझे और भी ज्यादा खुशी होती है। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो आपकी तकदीर में लिखा है वो ही पाओ, लेकिन भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर भी आपकी तकदीर वैसे ही लिखेगा जैसा कि आप चाहो। कीप इन योर माइंड ओल्ड हैबिट Never build your new life. You have to change yourself, then you will build yourself new. And you will find new gateway. क्या कर रहे हैं तू, मजाक है क्या? मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो साला। आपने मैगी ट्राई की? बहुत टेस्टी है। अब तो जो भी कुछ होगा टॉप पे ही होगा, वहाँ पर मजा ही कुछ और होगा। ये रहा नहीं जाता, तड़प ये भी है ना। हमें वहाँ जाने की क्या जरूरत है, हम यहाँ भी तो कर सकते हैं। कितनी औसम है यार। अब जो करेंगे वादियों के बीच पहाड़ों के बीच करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, मजा आ रहा है। मजा तो ऊपर चढ़ के आएगा। रुको जरा सबर करो। अब तो टॉपर भी पहुंच गए, करते हैं ना। सॉरी डार्लिंग, सॉरी सांगे में मजा नहीं लेगा। सॉरी डार्लिंग, सॉरी डार्लिंग।
आप सुन रहे हो, आपसे बात कर रही हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है यहाँ? मैं तो बस घूमने आया था यहाँ। तुम किसके साथ आई हो? मेरा तो पूछो ही मत। हाँ, ये तुम्हारे फ्रेंड्स कैंप के अंदर क्यों चले गए? सेक्स करने। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन को। हेलो एसीपी प्रद्युमन, हाँ ठरकी मिल गया, वीडियो देख रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है, कांग्रेचुलेशन, ये जो काम आप कर रहे हैं ये भगवान का काम है। को पता है जब मिर्जापुर रिलीज हुई थी तब IAS एस्पिरेंट्स की तादाद झट से बढ़ गई। यार हम मिर्जापुर के थ्रू यही एक मैसेज देना चाहते थे कि भाई देखो जो करने वाली चीज है उसमें करो, क्योंकि मिर्जापुर आप जैसा जानते हैं एक पारिवारिक शो है और लोगों की भलाई के लिए बना। मैंने भी अपने पूरे फैमिली के साथ देखा है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। अभी मदद है भाई, अभी मदद है।